We begin with the aerial assault launched by Iran against Israel. The Israeli army says more than 200 missiles and drones were fired from Iran. This is a severe and dangerous escalation. Our defensive and offensive capabilities are at the highest level of readiness. Assalamu Alaikum, this is Muheet Pizala. Iran ne Israel ke upar jo jawab hi hamla kiya hai usse Israel aur Iran ke darmiyan aur America मशा के वस्ती और पूरी दुनिया में इस वक्त क्या सूरत हाल क्या सिचुएशन है इस पर रद्दमल क्या है आगे क्या होने लगा है क्या इसराइल और अमरीका ईरान के ऊपर कोई जवाबी कार्रवाई या हमला करेंगे वो किस किस्म का हमला हो सकता है इस हवाले से मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अपडेट कर दूँ वैसे तो मैंने अंग्रेज़ी में जे वी एस डायलॉग में एक बहुत तफसीला इसकी डिस्कशन की है जिसमें हर किस्म के पहलू ज उनको मैंने एग्जामिन किया है उनको मैंने एक्सप्ल किया लेकिन हमें से जो बहुत से लोग इंग्लिश से कंफर्टेबल नहीं है मैं उर्दू में उनको एक्सप्लेन भी करना चाहता हूं और एक्सप्लेन करने की एक बहुत बड़ी वजह मैं आपको बता दूं वो ये है कि मुझे बहुत शक है मुझे बहुत गुमान है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से जरा अब्लाग बड़े सेंसेशनल तरीके से बहुत सी गलत बयानी करेंगे बहुत एग्जैजरेशन करेंगे एक बड़ी स्ट्रेंच सी और बड़ी एक मिस इन्फॉर्म्ड पिक्चर आपके सामने लेके आएंगे इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं ज़्यादा एक रैशनल रियलिस्टिक मंतकी एक एनालिसिस जो है वो आपके सामने लाऊं ताकि आप इसे फिर कंपेयर भी कर सकें और कल को आप देख भी सकें कि आगे अगले 24 या 48 घंटों में क्या होगा अब इस हवाले से मेरे पास बहुत से पॉइंट्स हैं आपको पता है कि मैं अपनी जगह पे नहीं हूँ अपने शहर में नहीं हूँ लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स बहुत क्विकली आपके सामने जो है वो इस हवाले से ला सकता हूँ मेरी कोशिश है कि मैं इसको पंद्रह सोलह मिनट में वाइंड अप कर दूँ इस सारी चीज़ को देखिए पहली बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझ लें और आप ये सब समझ लें कि ईरान ने इसराइल के ऊपर जो काउंटर स्ट्राइक की है ये एक जवाबी हमला है ये ईरान ने कोई प्रोवोकेशन नहीं की है ये ईरान जवाब दे रहा है उस यकम अप्रैल 2024 के उस बुजदलाना हमले के जो इसराइल ने ईरान के खाने के ऊपर दमश में मुल्क शाम में किया जहाँ बारह लोग हलाक हुए जिसमें सात या आठ जो हैं वो ईरानी डिप्लोमेट और ईरानी मिलिट्री ऑफिसर्स थे ईरानियन रेवोल्यूशनरी को, आ, को आ, गार्ड के आईएसआरजी के ईरानी रेवल्यूशी गार्ड के थे जिसमें दो उनके सीनियर अस्तरान थे उन्हें अक्सर मगरबी जराए अब्लाग में जर्नल लिखा जा रहा है लेकिन ब्रिगेडियर जनरल थे एक ब्रिगेडियर जनरल जो है उनका नाम रजा जाहिदी और दूसरे ब्रिगेडियर जनरल हादी तो उनकी वहाँ पर डेथ हुई और जैसे ही वो डेथ हुई थी तो ईरान के जो एम्बेसडर थे दमक में उन्होंने कहा था कि ये इंटरनेशनल लॉ की बड़ी क्लियर वायलेशन है इसको ये अनपनिश नहीं जाएगी ईरान इससे रिस्पॉन्ड करेगा सबसे कंटली बहुत से ईरानी ऑफिशल्स ने इस बात का अदादा किया और फिर ईरान के जो स्परिचुअल लीडर हैं आयतुलली कामिनाई उन्होंने कहा कि ईरान डेफिनेटली तौर पर ये जो ईवल कंट्री है वो उन्होंने नाम नहीं लिया इसराई का उसको वो रेस्पॉन्ड करेंगे इसराइल ने कभी भी हमले को तस्लीम तो नहीं किया लेकिन ये इसराइल की पॉलिसी है कि इसराइल ना तो यस करता है ना नो करता है उसने बहुत से हमले किए हैं लेबनान के अंदर सीरिया के अंदर इराक के अंदर लेकिन कभी उनकी जिम्मेदारी जो है वो कबूल नहीं की और फलस्तियों के ऊपर जिम्मेदारी कबूल नहीं की लेकिन इस केस में यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स का ये कहना है कि चार कम अज कम अन आइडेंटिफाइड या अन नेम्ड टॉप इसराइली ऑफिसर है जिन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को कन्फर्म किया कि ये हमला इसराइल ने किया है और इसलिए किया है कि वहाँ पर फलस्तनीों की एक मीटिंग जो है वो ईरानियन ऑफिशल्स के साथ ईरानिय रेवल्यूशनरी गार्ड्स के साथ हो रही थी और उसको डिस्टर्ब करने का मकसद था और हमारे खिलाफ पता नहीं क्या हो रहा था ये बिल्कुल एक फजूल एक्सप्लेनेशन है आ, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था यह कोई इसकी कोई इतनी अहमियत नहीं थी उस मीटिंग की यह बुनियादी तौर पर नैतिन याहू रजीम जो है इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने अपनी सियासी जरूरियात के तहत जैसे कि मैंने अपने पिछले दोनों वी में वाजी किया है यह हमला किया था कि ईरान को प्रवोक किया जाए फिंगर किया जाए ताकि एक जंग का सा माहौल बनाया जाए इसराइल की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक वॉर कैबिनेट बना के बैठे हुए हैं जंग तकरीबन उनकी गाजा में ख़त्म हो गई है अंडर द अमेरिकन प्रेशर उनको आधी से ज़्यादा फोर्सेज उन्होंने विद्रॉ कर ली हैं अगर वॉर कैबिनेट वो तोड़ते हैं तो उनको एक इलेक्शन करवाना पड़ेगा उनको बहुत परेशानी है कि वो इस जंग के कोई अहदाफ हासिल नहीं कर सके जिसमें ना तो हॉस्टेज को हासिल कर सके मिलिटरली जैसा उनका ख्याल था ना ही इसे कहते हैं वो हवास का मिलिट्री खात्मा कर चुके और इसराइल की पब्लिक ने अभी नैतन याहू का बड़ा सियासी तौर पर हिसाब किताब करना है इसलिए नैतन याहू चाहते हैं कि तनाव की कैफियत रहे और वो ईरान के ऊपर हाथ डाल दें और एक बजहरे मिलट्री एच भी है ईरान के मुकाबले में यह वजह है तो कोई एक्सीडेंट नहीं है जो कुछ उन्होंने किया अच्छा अब जो हमला किया था यकम अप्रैल को उसे क्या अमेरिका की कोई टैसेट अप्रूवल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का था ये हम कह नहीं सकते ठीक तरह से मुझे वैसे बहुत शक्कर हैरानगी होगी कि अगर अमेरिका का कोई टैसेट अप्रूवल बिल्कुल ही ना हो इसराइली हमले में बिकॉज बहुत ही जुड़तमंदाना और ये अटैक था बिकॉज ये पहली दफ़ा है इसराइल हमले तो बहुत करता रहा है मुख्त्य जगहों पर लेकिन पहली दफा था कि ईरान के सफारत खाने को टारगेट किया गया जो कि इंटरनेशनल कानून की सरीहन जो है वह खिलाफवर्जी थी अमेरिका का बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें कोई टैसेड अप्रूवल था या नहीं था या बाइडेन या नैतन याहू ने सोचा कि मैं अमेरिका को इसके अंदर खींच के ले आऊंगा इसको धकेल दूंगा इस पूरी जंग में अपनी मर्जी में अपनी सियासी जरूरियात में इसका हमें अगले 24 और 48 घंटे में अमेरिका के रेस्पॉन्स से पता चल जाएगा और भी मैं आपका अमेरिका का रिस्पॉन्स के कुछ पॉइंट्स भी आपके सामने रखता हूँ यानी अमरीका अगर तो इसराइल के काउंटर स्ट्राइक्स को सपोर्ट करेगी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन और इसराइल काउंटर स्ट्राइक तभी कर पाएगा अब ईरान के अंदर अगर उसको अमेरिका और मगरब की सपोर्ट होगी तो इसका अगले 24 या अड़तालीस या छत्तीस घंटों में ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी और वहां से हमें ये भी पता चलेगा कि इसमें अमेरिका को इसराइल धक्का मार रहा था या अमेरिका का टैसेट अप्रूवल इसमें था अब मैं अब अब तक के बुलेट पॉइंट्स आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स एंड अकॉर्डिंग टू द इसराइली ऑफिशल अंदाजन तीन सौ बाजुगो पर लिखा है तीन के करीब बाजों पर लिखा है तीन से ज्यादा मिसल्स जो हैं जो ड्रोन स्ट्राइक्स हैं वो इसराइल प्रॉपर के अंदर की गई हैं अकॉर्डिंग टू द डिफेंस फोर्सेज उसमें से एक सौ पचासी उन्होंने काउंट किया है कि ड्रोन्स हैं छत्तीस मिसल्स हैं दो तो बिलिस्टिक uh, जो है मिसल्स हैं लॉसेस क्या हुए थे तो इतना ज्यादा फेंका गया मलवा और प्रोजेक्टाइल फेंके गए फोर्स प्रोजेक्शन तो बहुत ज्यादा है और इसमें ऐसी फुटेज है जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने रखी है जिसमें आप देखते हैं कि मुख्तलिफ ड से ये इसराइल के ऊपर प्रोजेक्टाइल्स जो हैं वो गिर रहे हैं टुकड़े गिर रहे हैं आसमान भरा हुआ है उससे एक घंटे तक भरा रहता है और ये जैरूसलम के ऊपर भी नजर आते हैं हिब्रॉन पे भी नजर आते हैं वेस्ट बैंक के ऊपर भी नज़र आते हैं और एक खौफ व हरास का जो है वो आलम है आ, लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि ईरान ने एक तो पहले तेरह दिन के बाद ही हमला किया तेरह दिन ईरान कहता रहा कि वो हमला डेफिनेटली करेगा और सारे तेरह दिन के अंदर बहुत इंटेंस डिप्लोमेसी जो है वो इस हवाले से होती रही जिसका मैं भी मजीद आपसे जिक्र करता हूँ लेकिन ईरान ने जब ये आ, आ, ड्रोन्स इशू किए ये लॉन्च किए तो साथ ही इसका ऐलान कर दिया गया स्टेट मीडिया के ऊपर ऐलान कर दिया गया इसको पब्लिक कर दिया उन्होंने उन्होंने कहा कि हमने ये ड्रोन जो हैं वो लॉन्च कर दिए हैं इस्लामिक रेवोलूशनरी जो गार्ड ग्रुप है उसने भी अपनी स्टेटमेंट में कह दिया तो इसमें कुछ सरप्राइज का एलिमेंट जो था वो नहीं था ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर यानी इसराइली इसको पता था कि ये ड्रोन्स और ये मिसल्स उनकी तरफ आ रहे हैं इसराइली फोर्सेज ने कह दिया जिसके मैंने पिछला बी लॉक किया था चंद घंटे पहले एक दस मिनट का मुखसर तो उसमें यह था कि इसराइली और अमेरिकन सोर्सेज ने कहा कि इनको पहुंचते पहुंचते दो तीन घंटे जो है हम तक लग जाएंगे यानी इसराइली के पास पूरा टाइम था कि जिसने जहां छुपना है वो छुप जाए लेकिन उसके बावजूद कोई आ, बहुत ज़्यादा अब अब तक क्या है कि इसराइली फोर्सेज ये कहते हैं कि टोटल बारह लोग जो हैं वो किसी न किसी किस्म के ट्रॉमा की वजह से उसमें कोई भी किसी को बहुत शदीद नुकसान नहीं पहुंचा कोई डेथ नहीं हुई है कोई बहुत सीरियसली जख्मी नहीं हुआ है ज्यादातर लोग कंकशन की वजह से ट्रॉमा खौफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की वजह से हॉस्पिटल में मदद मांगने के लिए आए इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाले एक लड़की थोड़ी सी जख्मी हुई है उसको भी सर पर कोई शॉप में लगे वो अरब लड़की है बारह तेरह साल की वो एक हॉस्पिटल में पहुंची है कोई डेथ नहीं हुई है अच्छा कोई बहुत खातर खात बिल्डिंग का मटेरियल लॉस नहीं हुआ इससे हमें क्या पता चलता है इससे हमें यह पता चलता है कि ईरान ने फोर्स प्रोजेक्शन तो की है उसने अपनी डिटर्मिनेशन तो शो की है लेकिन उसने दानिस्त तौर पर किसी ऐसे यानी जो प्रोजेक्टाइल भेजे गए हैं उनके अंदर कोई ऐसा एमिनेशन या वॉर हेड था ही नहीं पेल ओड ही नहीं ऐसा था जिसका मकसद ये होता कि इसराइल के अंदर कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग गिर जाती है कोई बहुत बड़ा नुकसान होता गो के गुलान हाइट्स को डेजर्ट के अंदर इसराइली बेसिस को जरूर टारगेट किया गया है लेकिन मुझे शक ये है क्योंकि अभी तक मैंने इसका ब्लैक एंड व्हाइट में देखा नहीं है मुझे शक यह है कि डेलिब्रिटी तौर पे दानिस्ता तौर पे मैसेज तो कन्वे किया गया है लेकिन कोई पे लोड ऐसा नहीं था जब ये एग्जांपल देता हूँ तो मुझे याद आता है जो मेरा एनालिसिस से बहुत से लोग पाकिस्तान में बिल्कुल उससे इफाक नहीं करेंगे लेकिन मेरा पहले दिन से यही एनालिसिस है कि जब छब्बीस या सत्ताईस फरवरी दो में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में बालाकोट पर स्ट्राइक की और कहा कि साढ़े लोग मदरसे में हमने मार दिए हैं अहमदाबाद के करीब तो वो उनकी पॉलिटिकल पोजीशन थी और अगर हिंदुस्तानी चाहते तो ऐसे नकमे वो नहीं है और स्पाइस बॉम्ब्स उन्होंने इसराइली इस्तेमाल किए थे और उनके पास मिराज जेट थे अगर वो चाहते मदरसे को टारगेट करना दरख्तों को टारगेट वो करना उनका निगम पर नहीं था वो नहीं चाहते थे कि वो मदरसे को टारगेट करें उनका मकसद था कि वो मैसेज कन्वे करना चाहते थे वो ये पॉइंट बाबर करमाना चाहते थे कि हम पाकिस्तान प्रॉपर के अंदर स्ट्राइक कर सकते हैं हम अपनी बड़ी बहादरी दिखा रहे हैं लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में लॉस ऑफ लाइफ हो जिसके नतीजे में पाकिस्तान इसके पास भी इक्वल जवाब हो कि वो भी उसी किस्म की कार्रवाई करें और हिंदुस्तान का भी जो है नुकसान हो ह्यूमन लॉस हो तो जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने छह टारगेट्स को मकबूज़ा जम्मू एंड कश्मीर में लॉक किया तो डेलीटली तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी कैपेबिलिटी, अपना आजम और अपनी डिटर्मिनेशन जो है पीएफ ने शो की अगले ही दिन दिन धाड़े लेकिन उन्होंने भी हिंदुस्तान की किसी जो उनके हेडक्वार्टर्स थे और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने तो इतनी महारत से उन जगहों को टारगेट किया टारगेट्स को लॉक किया और कि बिल्कुल उनके करीब अपना पेयर फेंका लेकिन उसमें बड़ी क्लियर उनकी इंटेंशन थी कि हिंदुस्तान का मटेरियल लॉस की ह्यूमन लाइफ जो है वो नहीं होना चाहिए और अगर स्टेज के ऊपर हिंदुस्तानी पॉइंट अभिनंदन जो है वो कैप्चर ना हो जाते जो अभिनंदन की बैड लक थी इंडियंस की बैड लक थी तो उसके बाद का जो स्टैंड अप हुआ अगले अड़तालीस घंटे का जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उनके लिए खासी डेंजरस पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप कर गई थी जिसके बाद उन्होंने कत्ल की रात की धमकी दी थी वो सिचुएशन फिर डेवलप करनी ही नहीं थी तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान ने बहुत ही सोच समझ के बहुत वे किया है पूरे बारह दिन तक तेरह दिन तक ईरान ने वे किया है और अपने तमाम जो ईरान ने अपने पोटेंशल हलीफ हैं जैसे कि रूस है चीन है और जो भी कंट्रीज उसके हलीफ हैं उनके साथ ईरान ने सला मशवरा किया है बहुत गौरव फिक्र किया है कि हमें रिस्पॉन्ड भी करना है और मैंने जब अपने पिछले दोनों बी में आपको बताया था कि ईरान को रिस्पॉन्ड करना था बिकॉज ईरान क्लियरली देख रहा था कि ईरान ने इसराइल ने एक नया नॉर्म एक नई नॉर्मैलिटी और एक नया बैलेंस ऑफ पावर जो है सेट करने की कोशिश की है उसके जो उसके जो डिटेरेंस है उसको चैलेंज कर दिया है ईरान को और ईरान को वो उसी तरह से ट्रीट करने की कोशिश कर रहा है जिस तरह से वो सीरिया को ट्रीट करता है लेबनान को ट्रीट करता है या इराक को ट्रीट करता है अभी तक आपको पता है कि इसराइल ने कभी भी कोई एयर स्ट्राइक जो है वो ईरान के अंदर नहीं की सो ईरान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हमने अपना अपनी डिटर्मिनेशन दिखानी है अदरवाइज ये है कि इसराइल विल स्टार्ट टेकिंग अस बाकी सारी दुनिया भी अमेरिका यूरोप मगरब भी सभी लोग जो है इसको देख रहे थे और फिर पूरी अरब स्ट्रीट देख रही थी फलस्तनी देख रहे थे ईरान की अपनी पब्लिक देख रही थी अंदर से भी बहुत प्रेशर था लेकिन जहन में रखिए कि ईरान जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड की जो स्ट्रीट है उसका वो जो है अनकोश्चन लीडर है इस वक्त दो ही मुल्क हैं कृषि जमाने में पाकिस्तान की भी बड़ी एक फीलिंग होती थी लेकिन पाकिस्तान ठेठ हो गया है बिल्कुल फारक हो चुका है इस मामले में तो जो मुस्लिम वर्ल्ड में ईरान की धाक है कि ईरान एक कॉज के लिए जो है वो खड़ा है सो पूरी फलस्तनी दुनिया भी देख रही है मुस्लिम दुनिया भी देख रही है नॉर्थ अफ्रीका भी देख रहा है पूरा यूरोप देख रहा है सो ईरान ने ये डेमोन्स्ट्रेट करना था कि हम एक पोटेंशियल लीडरशिप जो है इस हवाले से रखते हैं प्राइम मिनिस्टर नितिन याहू जो है उनकी बड़े बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की ट्वीट के ऊपर इसराइली सोर्सेज ने जो सोर्स ने इंफॉमेशन दी है बहुत ही इंटरेस्टिंग वो ये कि ये चूंकि ईरान ने कहा था कि हमला करने वाले हैं और अमेरिकन सोर्सेज जो है पिछले 24-36 घंटे से कह रहे थे कि हमला आया ही आया आया ही आया होने ही वाला है तो ईरान जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर जनाब बेनियमिन नेतन्याहू हैं उन्होंने अपने एक दोस्त साइमन सेमोन फेलक कि बंकर में उन्होंने पिछले 12-14 घंटे से पना ली हुई थी ये एक कंक्रीट बंकर था जो बॉम्ब्रूफ बम्पर था बंकर था वहां जाके जोरतमंद दलेर इसराइली प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं कि पूरी इसराइली पब्लिक को दुनिया को सबको तनहा छोड़कर अमरीकन जो उनके हिफाजत में आए हुए थे उनको छोड़ के वो वह वहाँ पर जाके छुप गए और ये साइमन सेमोन फलिक इनका नाम होगा क्योंकि यूएस नाम साइमन नहीं होगा साइमन बना दिया होगा अमेरिकनाइज करते नाम को ये सिमोन फलिक जो है Uh, ये अमेरिका ड्यूटी फ्री शॉप्स जो है उसको ओन करते हैं जो अमेरिका ड्यूटी फ्री शॉप मेरे खिल एयरपोर्ट में मिलती है और ये बिलियनर हैं और जी के ग्रैंड रोल पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी के बहुत बड़े फंड रेजर भी हैं अच्छा अब ये सूरत हाल आपने सारी देखी है अच्छा इसमें अब आप, आप थोड़ा सा देखें कि अब तक जो रिस्पॉस हुआ है रिस्पॉन्स ये हुआ है कि इसराइली डिफेंस मिनिस्टर वगैरह कह रहे हैं कि हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं हम हर किस्म की ऑप्शंस को देखेंगे अमेरिका की तरफ से हल्का सा ये कहा गया है लेकिन अभी तक इसमें कोई डेफिनेटिव तौर पे बात ऐसी सामने नहीं आई कि इसराइल ये कह रहा है कि हम जो है फौरी तौर पे कोई मिलिटरीली तौर पे रिस्पॉन्ड करेंगे बिकॉज इसराइल के एम्बेसडर ने जो खत लिखा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल का अजलास बुलाया गया है सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेजिडेंट हैं इस वक्त जनरल उनको लिखा गया खत और वो खत मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करता हूँ आ, उस खत में ये मुताल किया गया है उसमें कहा गया है कि ईरान जो है तरह तरह की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हवास जहाज ये वगैरह वगैरह सबको सपोर्ट कर रहा है और ये जिसने हमला किया है इसराइल के ऊपर ये बहुत ही एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ की है इसराइल की सिक्योरिटी को ख़तरे में डाल दिया है इसलिए इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ग्रुप वगैरह जो है कोर जो है इसे एक दहशत गर्द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करार दिया जाए अब ये इजलास जो है अमेरिका के ईस्ट कोस्ट के हिसाब से न्यूयॉर्क टाइम में अब जो दिन शुरू होगा अमेरिका में अभी तो यहाँ अमेरिका में सुबह के दो बजे हुए हैं सवा दो बजे लेकिन ये होगा चार बजे यानी अब से कोई आप कह लें कि चौदह घंटे के बाद और जाहिर है कि इसके अंदर रूस भी होगा इसके अंदर चीन के भी मंदूब होंगे और यहाँ पर कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो सकेगा ईरान के रेवोलूशनरी गार्ड को दहशतगर्द तंजीम करार देने के हवाले से अमरीका ने मीन बल ये कहा है कि वो अपना रेस्पॉन्स वही करेगा प्रेजिडेंट बाइडन ने प्रेजिडेंट बाइडन ने प्राइम मिनिस्टर नैथन याहू के साथ उनकी जो टॉक हुई है टेलीफोन के ऊपर उसका जो रीड आउट है वो इशू कर दिया है अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने अमेरिकन हुकूमत ने यह प्रेजिडेंसी ने इशू किया व्हाइट हाउस ने वो रीड आउट बड़ा इंटरेस्टिंग है उस वीडियो पर उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने प्राइम मिनिस्टर नैतलयाहू को बहुत मुबारकबाद दी है और उनको कहा है कि इसराइली डिफेंस सिस्टम ने ये प्रूव किया है कि इसराइल के ऊपर आने वाला हमला जो है उसे रोक लिया गया है किसी किस्म का माली जानी मचेल नुकसान जो है नहीं हुआ जिससे पता चलता है कि इसराइल के दुश्मन जो है वो इसराइल को जो है उसको हर्ट नहीं कर सकते इसराइली सेफ उनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इसराइल को नुकसान पहुंचा सकें अच्छा ये जहन में रखें कि अमेरिका के बहुत से नेवल जो एसेट्स थे नेवल फोर्सेस थी नेवल शिप्स थे वो मेडिट्रेनियन डिफरेंट जगहों के अंदर मौजूद थे और उन्होंने बहुत रोल प्ले किया इसराइली डिफेंस फोर्सेज ने भी रोल प्ले किया लेकिन अमेरिका के जो अपने आ, यानी एसेट्स हैं उन्होंने बहुत से जो ईरानियन ड्रोन या ईरानिय मिसल्स थे उनको शूट डाउन करने में प्रिंसिपली तौर पे अमेरिकन ने रोल प्ले किया है, उनके साथ यूके के एसेट्स से मिलिट्री में रोल प्ले किया शूट डाउन किया है, और फिर बाकी इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने उस रोल प्ले किया और अमेरिकन प्रेजिडेंट का जो रीड आउट है उसमें उन्होंने ये मैंशन किया है कि अमेरिकन जो फोर्सेज हैं उन्होंने अपना एक बड़ा पॉजिटिव रोल जो है प्ले किया और साथ ही उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है इस मसले को अपने जी सेवन कंट्रीज की मीटिंग में लेकर जाएगा और उसके ऊपर एक यूनिफाइड डिप्लोमेटिक स्टैंड लिया जाएगा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है पॉइंट इंपॉर्टेंट यह है कि अभी तक अमेरिका की तरफ से किसी मिलिट्री रिस्पॉन्स की बात यहां पर नहीं की गई अब यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या प्राइम मिनिस्टर नितिन याहू को इस ईरान के ऊपर कोई काउंटर मिलिट्री जो करना चाहते हैं असल में मिलिट्री कैपेसिटी का कोई इशू नहीं है इसराइल के पास बड़ी मिलिट्री कैपेबिलिटी है एयर पावर है और ईरान के पास उस किस्म की सोफेस्टिकेटेड एयर पावर नहीं है उस किस्म के मिसल्स उस किस्म के रॉकेट्स उस किस्म की एयरफोर्स उस किस्म की रिटायर जोमिंग जेमिंग एबिलिटी वगैरह जो है वो नहीं है और अगर इसराइल लेकिन इसराइल हमला तभी कर सकता है ईरान के अंदर अगर उसे अमरीका की मगरब की और उसके मगरबी एलाइज जो हैं उसकी तइद हासिल अभी तक उन्होंने कंडेम तो जरूर किया है लेकिन अमरीका के प्रेजिडेंट ने किसी मिलिट्री काउंटर स्ट्राइक की बात नहीं की उन्होंने कहा अच्छा अमरीका के जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं जो एक ऑस्टन लॉयड जो है जो खुद एक एक्स आर्मी चीफ के जनरल है उनकी स्टेटमेंट भी इस लिहाज से बड़ी माना खेज और इंटरेस्टिंग है उन्होंने कहा ईरान को कि बहुत हो गया मजीद स्ट्राइक्स ना करें बट तो उनकी एक बाकायदा स्टेटमेंट ऑफिशियल स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि ऑस्टन तो लॉयड का ये कहना है कि ईरान मस्ट स्टॉप नाउ और हमारी फोर्सेस के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी फोर्सेस पे कोई हमला नहीं हुआ अगर हमारी फोर्सेस पे कोई हमला होगा तो फिर हम देखेंगे कि हम हर किस्म का रिस्पॉन्स जो है दे सकते हैं इसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक प्राइम मिनिस्टर नेथन याहू को अभी तक फ्यूचर का कुछ पता नहीं मेरा एनालिसिस है टोटली totally, कहीं लिखा हुआ मैंने नहीं देखा ये इस नाचीज का एनालिसिस यह है कि अभी तक प्राइम मिनिस्टर नेथन याहू को उस किस्म की सपोर्ट तइद अमेरिका से नहीं मिल पा रही जो कि उन्होंने सोची होती यकम अप्रैल को जब उन्होंने ईरान को एंगेज करने के लिए प्रोवोक करने के लिए हमला किया इसकी वजह क्या हो सकती है ये हो सकती है कि इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि उनको टैसेट अप्रूवल था ही नहीं ये हमला करने के लिए और ये हमला उन्होंने जाती तौर पर किया और वो चाहते थे कि मैं अमरीका और वेस्ट को इसमें इन्वॉल्व कर लूं लेकिन वी डोंट नो अबाउट फुली वेल दूसरी एक चीज यह है कि ईरान ने फौरी तौर पर नहीं एक रिएक्शन नहीं किया ईरान ने कह तो दिया उस वक्त की धमकी तो दे दी कि हम काउंटर स्ट्राइक करेंगे लेकिन ईरान ने बारह तेरह दिन लगाए इन बारह तेरह दिनों में ईरान जो है डिप्लोमेटिकली एंगेज रहा है दुनिया के बहुत से के साथ ऑफ कोर्स चीन के साथ ऑफ कोर्स रूस के साथ फिर अमेरिका रीच आउट टू ईरान अमेरिका ने ईरान से राता कायम किया सऊदी अरेबिया के जरिए मुतहदा अरब इमारात के जरिए अमान के जरिए कतर के जरिए शायद तुर्की की भी उसमें इन्वालमेंट थी उसके अलावा जर्मनी ने भी राबता कायम किया रशिया ने भी रहा कायम किया और फिर अमरीका ने तो ये किया कि सेक्रेटरी स्टेट जो है टोनी ब्लिकन उन्होंने आ, उन्होंने चीन से भी रापता कायम किया और चीन को यह एम्फोसाइज किया कि आप जो है ईरान को कन्विंस करें कि वह जवाबी हमला ना करें तो ये जितने भी डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट थी इसमें ईरान भी बायोलैट्रली हर तरह से इंगेज था और एक मैंने खबर ऐसी देखी अमरीका और इसराइली जराये में अब से कुछ चौबीस घंटे पहले कि ईरान ने ओमान के जरिए कन्वे कर दिया कि हम जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे लेकिन हम कोई जवाबी कार्रवाई ऐसी नहीं करेंगे जिससे कि बहुत ज्यादा एस्केलेशन हो इसका मतलब है कि अमेरिका को ईरान ने ये बाबर कर दिया कि एक तो हम आपके साथ कोई फटा नहीं चाहते हम नहीं चाहते कि आप इसमें कूदें ये हमारे और इसराइल के दरमियान और हम कोई ऐसी एस्केलेशन का जवाब प्रोवाइड नहीं करेंगे कि आप और बगरेब इसमें कूद पड़े इसका मतलब है कि ईरान ने एक सोफेस्टिकेटेड एंड मेच्योर डिप्लोमेसी की है जिसकी वजह से अभी तक अमरीका का जो रिस्पॉन्स है वो खासा कैलकुलेटेड है और अब पहली दफ़ा मैं ये देख रहा हूँ कि बावजूद उसके कि ईरान से शरीद दफरत की जाती है अमेरिका के ट्विटर स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो तो इसराइल को कंडेम कर रहे हैं मैं कहीं था डाउन टाउन न्यू के अंदर ही मैं इस वक्त न्यूयॉर्क में हूँ तो मैंने मैं मैंने जब पिछड़ा वी किया तो मैंने एक रेस्टोरेंट से किया तो जब मैंने रेस्टोरेंट से वीलॉक किया तो लोगों को एहसास हुआ कि मैं किस हवाले से बात करूँ तो लोग मुझसे पूछने लग गए जो राइट लेफ्ट थे तो मैंने उनको बताया कि क्या हुआ तो कोई भी ऐसा नहीं था जिसने इसराइल को कंडेम ना किया हो या जिसने ये ना कहा हो कि ईरान हैड द राइट टू तो स्ट्राइक बैक लोगों का अंदाजा था और सब ने कहा कि ये इसराइली प्राइम मिनिस्टर जो है ना हमारे टैक्स पेयर के पैसे के पीछे पड़ा हुआ है और ये हमें इस जंग में इन्वॉल्व करना चाहता है तो कॉमन अमेरिकन जो है जो काला अमेरिकन है जो स्पेनिक है जो एक गरीब वाइट है उसकी क्लियरली ये थिंकिंग है बजाय उसमें जो अमीर तरीन या बहुत ही ओपीनियटेड है उनकी क्या थिंकिंग है हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते तो ये अब तक की सूरत हाल है अच्छा अब मैं आपको थोड़ा सा इंटेंस डिप्लोमेसी का जिक्र हो गया अच्छा अब ये जहन में रखिए कि ये जंग जो है ये क्यों वाइडर स्पेक्ट्रम चाहिए नितन याहू को नैतिन याहू वॉर कैबिनेट बनाई थी उन्होंने सेवन्थ अक्टूबर के बाद अपनी गवर्नमेंट खत्म कर दी थी अब उनको इलेक्शन करवाने हैं जो एहदाफ हासिल करना चाहते थे हमास के खात्मे के हवाले से वो नहीं हो सका जो उन्होंने लोग छुड़ाने थे वो नहीं हो सका यानी सौ से ज़्यादा हॉस्टेज के बारे में ये ख्याल है कि वो शायद मर गए हैं की अपनी बॉमी के नतीजे में सिर्फ दो हॉस्टेज को छुड़ा सके इसराइल में लोगों ने छुँ तेज़ की हुई हैं नितिन याहू के हवाले से जिनके खानदान के लोग जो हैं वो मारे गए हैं या जिनको वो वापस नहीं ला सके और तकरीबन ढाई सौ तीन सौ के करीब तो इसराइली सोल्जर्स मारे गए हैं हज़ारों जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं इस जंग में तैतीस हज़ार लोग मर गए हैं इसराइल का एमेज भी बहुत बुरी तरह से मजरूर हुआ है तो नतिन याहू के सामने एक बहुत बड़ा पोलिटिकल टेस्ट है कि उसको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे इलेक्शन में ले जाने के लिए नितन याहू के पास कुछ नहीं है ना तो हमास को वो जड़ से उखाड़ सके हैं इसराइली डिफेंस फोर्सेस कहते हैं कि नहीं हमास बाय एंड लार्ज मिलिटेरियली ऑर्गेनाइजेशनली इंटैक्ट है तैंतीस हजार लोग उन्होंने मार दिए हैं बदनामी उनकी बहुत हो गई है ब्रांड उनका कम हो गया है होस्टल्स को छुड़ा नहीं सके नैतन याहू चाहते हैं कि एक वाइडर वॉर हो जाए वो वाइडर वॉर तब होगी जब अमेरिका का सदर और मगरब उस वाइडर वॉर को सपोर्ट करेगा अभी तक इसकी कोई क्लियर एविडेंस हमारे पास नहीं मजीद जैसे डेवलपमेंट्स होंगी फिर मैं मजीद आपके सामने लेके आऊंगा मैं चाहता ये था कि एक रियलिस्टिक एनालिसिस आपके सामने आ जाए बिकॉज मुझे पता है कि पाकिस्तान में बड़ा ही अजीब उगरीब का एनालिसिस प्रजेंट किया जाएगा इस हाले से आ, तो आई होप के कुछ मदद हो जाएगी मेरे इस एनालिसिस थैंक यू